नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं इरशाद और एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने अपने इस चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। दोस्तों, कल मैं ऐसे ही मोबाइल यूज कर रहा था, मोबाइल चला रहा था, सोचा कि मैं अपना टेक्स्ट मैसेज खोलूं। क्या टेक्स्ट मैसेज आया? मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो मैंने सोचा कि लाइए अपना टेक्स्ट मैसेज ओपन करते हैं क्या आया है मैसेज में। तो दोस्तों, जैसे ही मैं अपना टेक्स्ट मैसेज ओपन कर रहा था, वो टेक्स्ट मैसेज ओपन नहीं हो रहा था। उसकी जगह पे क्या आ रहा था? Someone has access to your screen। कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा था, टेक्स्ट मैसेज ओपन नहीं हो रहा था। इसमें लिखा, इफ यू डोंट शेयर योर स्क्रीन यूजिंग कॉम, बीइंग किंग, सागा, नियर मी, गेम सेंटर, स्टॉप एंड अनइंस्टॉल दिस ऐप, देन रीस्टार्ट योर फोन, गूगल हैज हिडन योर सेंसिटिव कंटेंट फॉर सिक्योरिटी। अगर दोस्तों आपके फोन में भी ऐसा मैसेज आ रहा है और कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में करना क्या है? ठीक है दोस्तों, होता क्या है, ये मैसेज क्यों आता है? ये मैसेज आता है थर्ड पार्टी, जब हम कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज करते हैं अपने फोन में, जैसे व्हाट्सएप, जीबी हो गया, और भी कुछ तरह तरह के जो थर्ड पार्टी एप्स हैं जो हमें प्ले स्टोर पे ना मिल करके हम जिनको लिंक के द्वारा डाउनलोड करते हैं, वो थर्ड पार्टी एप्स होती है। ठीक है, क्या करती हैं ये थर्ड पार्टी एप्स? अगर थर्ड पार्टी एप से हम अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करते हैं तो गूगल क्या करता है, इन सब चीजों के लिए मना करता है। वो आपकी जो भी डेटा है उनको सिक्योर रखने के लिए अपने इन सब चीजों को मना करता है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऐप आप ना डाउनलोड करें, ना उनको यूज करें, अदरवाइज आपका फोन हो हैक हो सकता है या किसी कारण बस आपका फोन डैमेज भी हो सकता है। ये ऐसा गूगल मना करता है, तभी ये मैसेज हमारे पास आया, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी ऐप यूज कर रहा होगा, मेरे फोन में थर्ड पार्टी एप्स थी, इसीलिए ये मैसेज आ रहा था। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन क्या है? ये बहुत खतरे वाली चीजें हैं थर्ड पार्टी ऐप जो कि प्ले स्टोर पे नहीं होती है। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से अपने फोन को हम बचाएं। हमारे प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है इस पूरी वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ भी कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसके लिए आपको ले चलते मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं इस तरीके के मैसेज का सोल्यूशन क्या है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते हैं टेक्निकल इरशाद अहमद। तो दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और सबसे पहले मैसेज ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने टेक्स्ट मैसेज ओपन किया, देखिए ये मैसेज आ गया, मतलब कि मैसेज नहीं ओपन हो रहे हैं, बस ये डायलॉग बॉक्स आ गया, इस पे लिखा समवन हैज एक्सेस टू योर स्क्रीन। तो दोस्तों, इस तरीके का मैसेज अगर आपकी किसी भी एप्लीकेशन पर आए तो उसका सोल्यूशन क्या है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। ये आपको नीचे आना, यहाँ पर आपके होगा एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ऐप मैनेजमेंट पे आपको जाना है। ऐप मैनेजमेंट पे आप जैसे ही जाएंगे, उसके बाद ऐप लिस्ट में जाना है, और जिस भी ऐप में ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आ रहा हो, आपको उस एप्लीकेशन को सर्च करना है। जैसे मेरे में मैसेज नहीं ओपन हो रहा था, टेक्स्ट मैसेज, तो मैं यहाँ पर मैसेज टाइप कर लूँगा और मैसेज वाला ऐप ओपन कर लूँगा। उसके बाद जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन है स्टोरेज यूजेस, स्टोरेज यूजेस पे क्लिक करना है, और क्लियर डेटा पर देखिए ग्रीन कलर का जो क्लियर डेटा, क्लियर ऐप डेटा है, उसको ओके कर लेना है, यानी उसका जो डेटा है क्लियर कर देना है। ठीक है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद बैक आ जाएंगे, तो जिस भी ऐप में आपको प्रॉब्लम आएगी वो ऐप आपको सर्च करना है और उसका डेटा क्लियर कर देना है। ठीक है, बैक करके एक बार आप क्या करेंगे, अपना फ़ोन को हम रीस्टार्ट करेंगे, ऑफ ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे दोस्तों हम रीस्टार्ट कर लेंगे अपना फ़ोन, और फ़ोन हमारा ऑन हो जाने के बाद हम एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं हमारा टेक्स्ट मैसेज ओपन हो रहा है कि नहीं। तो फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है और हम अपना टेक्स्ट मैसेज ओपन करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और ये वीडियो बहुत काम की है। दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से अब हमारा टेक्स्ट मैसेज ओपन हो रहा है, और हमारे जो मोबाइल की जो डेटा है वो भी हमारा गूगल बचा के रख रहा है। तो आप इस तरीके के
थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।